الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين إذا رؤوا ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बहुत ही काबिल सद-ए-एहतराम जलसे हाजा के सदर हजरत मौलाना कारी अब्दुल बासित साहब रशादी दामद बरकातुहुम, सदीक़े मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मुक्तदिर साहब रशादी नाज़िम मदरसा हाजा, आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत क़ारी अब्दुल्ला कलीमी साहब ज़ीदत मालीहिम, दीगर हाज़िरीन हज़रत उलमा तलबा अज़ीज़, बहुत देर से आप हजरात इस मदरसे के कदीम तलबा के इज्तमा में शरीक हैं और प्रोग्राम मुसलसल चल रहा है। अभी पेशरव मुकर्रर हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी ने भी फारिगीन तालीमुल कुरान के लिए एक बहुत ही अहम पैगाम दिया कि हालात हाजिरा में किस तरीक़े से हमें रहना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है। अपना ये कदीम का लफ्ज़ सुनकर एक बात मुझे भी याद आई, इसलिए कि हम किसी ना किसी गुलिस्तान से फ़ायदा उठाने वाले हैं, किसी ना किसी चमन से हमने इस्तिफादा तो किया है, इसलिए ज़रूरी है कि हर तालिब इल्म अपने मादर इल्मी से ताल्लुक़ वाबस्ता रखे और दाइम रखे। पैवस्ता शजर रह उम्मीद बहार रख। मैं अपने मज़मून पर तो बाद में आऊँगा, उससे पहले एक बात ज़रूर अर्ज करूँगा फारिगीन तालीमुल कुरान से। जैसा कि शायर का एक शेर का एक मिसरा है, पैवस्ता शजर रह उम्मीद बहार रख। मुझे अच्छी तरह याद है, ये हज़रत मौलाना अब्दुल बासित साहब जो ज़माने दराज तक अपने असातिज़ा के बहुत मोहतरम थे, बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाले थे। ख़ास तौर पर हज़रत मुझे याद है हज़रत मौलाना नय्यर रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करते थे, दीगर असातिज़ा की भी। तो
खोसा चीना ने तालीमुल कुरान, तलबा जो होते हैं किसी न किसी इदारे से उनका ताल्लुक़ होता है। इसीलिए शायर ने कहा, पैवस्ता शजर रे उम्मीद बहार रख, दरख्त की डालियों को दरख्त से जुड़े रहना चाहिए, तभी उसका फूलना फलना, उसका शादाब होना, उसके अंदर तरक्की होना, ये सब इम्कानात बाद में होते हैं जब वो टहनी अपने दरख्त से जुड़ी हुई होती है। तो इन हजरात असातिज़, इन हजरात को भी याद होगा, हमारे हज़रत मुफ्ती साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत दुवम, हमेशा फरमाया करते थे दस्तारबंदी के इजलास में भी, दीगर इजलासों में भी, कि आप वक्त के इमाम बन जाएं, लोगों के मुक्तदा बन जाएं, लोग आपकी दस्त बोसी करें, कदम बोसी करें, लेकिन आप जब शुरू में आए थे मदरसे में पढ़ने के लिए, आप उस दौर को सोचिए कि आपको फार्म भरना नहीं आता था, आपका नाम लिखना आपको नहीं आता था। अभी कहा गया इजलास में कि मौलाना अब्दुल मुख्तदिर साहब दामत बरकात, हमने 21 साल पहले शुरू किया था, कितने नौजवान थे उस वक्त, दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ था, 21 साल तलबा के पीछे उन्होंने अपनी जवानी को लगा दिया, अपनी सलाहियतों को लगा दिया, अब बूढ़े होना शुरू कर दिए। मतलब यह है कि हमारे असातिज़ा ने हमारे ऊपर कितनी मेहनतें की, ये हमारा मादर इल्मी है, इसका इस्तेहजार हर तालिब इल्म को होना चाहिए। हज़रत मौलाना की मैं तवज्जो चाहता हूँ, एक मिसाल दे के मैं आगे बढ़ूँ अपने मज़मून की तरफ। हवाई जहाज़ में बहुत सारे लोगों ने बैठा होगा, सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ 5-10 मिनट के बाद 2,000-2,500 फिट ज़मीन से ऊपर चला जाता है, बल्कि जितना ऊपर हवाई जहाज़ रहेगा उतना ज़्यादा सेफ्टी में रहेगा। आपने देखा होगा कि किसी भी हवाई जहाज़ का ताल्लुक कंट्रोल रूम से होता है, कंट्रोल रूम में बैठकर एक आदमी उसे गाइड करता रहता है, जो नक्शा और जो प्लान उसे दिया जाता है उसके मुताबिक ही पायलट उसे ले जाने की कोशिश करता है। बात समझ में आई? इसी तरह हमारा ताल्लुक है हमारे कंट्रोल रूम से, तालीमुल कुरान से, या जिस जिस जगह से हमने पढ़ा है वहाँ से हमारा ताल्लुक है। और जब हवाई जहाज़ निकलता है, अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता 2,500 फिट नहीं, 1,000 फिट के बाद भी अगर कंट्रोल रूम से ताल्लुक ख़त्म हो जाए, राबता मुनक़ते हो जाए, हवाई जहाज़ पता नहीं किस दरिया में जाकर गिरेगा, ना उसका नामो निशान रहेगा, ना उसमें बैठने वाले पैसेंजर का नामो निशान बाकी रहेगा। तलबा अज़ीज़, हज़रात उलमा किराम, आप अपनी जगह के इमाम क्यों ना हो, मुदर्रिस क्यों ना हो, मोहतमिम व नाज़िम क्यों ना हो, मुसन्निफ़ क्यों ना हो, ज़माना एक बहुत बड़े नाम से आपको क्यों ना याद करता हो, आप अगर अपने मादर इल्मी को भूल जाते हैं, अपने पढ़ाने वाले असातिज़ा को भूल जाते हैं, तो याद रखिए किस गार में जाकर हम गिरते हैं पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खुदारा हम अपने मादर इल्मी से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत रखिए, जब बुलाया जाए फौरन हाजिर हों, तभी इल्म में भी हमारे बरकत होती है। रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी तो आपने सुना है, कम उम्र थे, छोटे थे, कम सिन थे, बड़े बड़े सहाबा के साथ बैठते थे, अल्लाह के पैगंबर की दुआएं इनको हासिल थी, रसूलुल्लाह की तवज्जोहात इनको हासिल थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पार्लियामेंट में बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे उमर रसीदा सहाबा बैठते थे, बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होता था कि ये कम सिन बच्चे इब्ने अब्बास को क्यों बिठाते हो हमारे साथ।
हज़रत फ़ारुक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा सोचा कि इनको जवाब देना चाहिए, और जवाब भी ज़बान से नहीं बल्कि अमल से। बात समझ में आती है, ज़बान से नहीं बल्कि अमल से जवाब देना चाहिए। सब बड़े बड़े सहाबा को बिठाया, हज़रत फ़ारुक़ आज़म की पार्लियामेंट कायम थी। हज़रत फ़ारुक़ आज़म ने सवाल किया, बताइए, एक एक सहाबी से सवाल किया कि आप रसूलुल्लाह के ज़माने में मौजूद थे, आपने बहुत सारी बातें हुजूर से सुनी हैं, मुझे बताओ सूरतुन नस्र इज़ा जा रसूलुल्लाह वल फ़त्ह, ये पूरी सूरत क्यों नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है, इसके नुज़ूल का मकसद क्या है। बड़े बड़े सहाबा से पूछा, एक एक सहाबी ने अपनी अपनी राय पेश की। हज़रत फ़ारुक़ आज़म सर हिलाते रहे, सर हिलाते रहे। किसी ने कहा इस्लाम की तरक्की की खुशखबरी दी गई है, हज़रत फ़ारुक़ आज़म ने फरमाया दूसरों से आप फरमाइए आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा लोगों की कसरत होगी इस्लाम में दाखिल होने वालों की। फ़ारुक़ आज़म ने तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, सर हिलाते रहे। आखिर में हज़रत फ़ारुक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा, अरे इब्ने अब्बास तुम क्या कहते हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जवाब दिया जो किसी सहाबी ने नहीं दिया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, इस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के पैगंबर की वफ़ात की तरफ इशारा किया है। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, इस्तग़फार करने का और अल्लाह से माफ़ी मांगने का हुक्म उस वक्त दिया जाता है जब इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो। अब हज़रत फ़ारुक़ आज़म ने फरमाया सहाबा से ख़िताब करते हुए, देखा तुमने मैं क्यों बिठाता हूँ इब्ने अब्बास को अपनी मजलिस में, तुमने गौर फरमाया कि मैं इब्ने अब्बास को क्यों अपने करीब करता हूँ, इसलिए कि इनको इनके उस्ताद यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हासिल हैं। अल्लाह के पैगंबर ने इनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिक्मा, अय अल्लाह तो किताब व हिकमत का इल्म इनको अता फरमा। आमतौर पर तलबा क्या कहते हैं चलते हुए कि हज़रत मुसाफा करते हैं, हज़रत दुआ फरमाइए, है कि नहीं है? आमतौर पर सब जगह मदारिस में रिवाज है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मौलाना मुक्तदिर साहब तवज्जो फरमाएं, हमारे ज़माने में उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता था वह हनफियों जैसा था, आजकल तो शवाफे जैसा रिश्ता है। क्या मतलब? जो तकलीद है वह तकलीद मजबूत नहीं है। इमाम शवाफे के यहाँ क्या होता है? इमाम शाफी के यहाँ इमाम अल्लाह अकबर कह के क़िरात शुरू कर देता है, सूरह फातिहा शुरू कर देता है, फिर जब ज़म्मे सूरत होती है रुकू में चला जाता है, सजदे में चला जाता है, और मुक्तदी अपना काम करता है, खड़ा हुआ होता है, इमाम सजदे में है और ये खड़ा हुआ क़याम में पढ़ रहा है, बस बराए नाम तकलीद है, बराए नाम इमामत ताबे इस इमाम के कहता है, वरना तो मुकम्मल तकलीद नहीं है। लेकिन अहनाफ के यहाँ हज़रत उलमा जानते हैं कि कितनी पक्की तकलीद है, ख़िलाफ़ करने वालों के लिए कहा गया कि उसकी नमाज ही नहीं होती, लेकिन शवाफे के यहाँ सब चलता है। तो आजकल हमारे यानी शागिर्दों का और उस्तादों का रिश्ता भी तकलीद शाफ़ई की तरह है, बिल्कुल कमज़ोर। लेकिन पहला ज़माना था कि उस्ताद के हुक्म के बग़ैर तालिब इल्म अपने घर भी नहीं जाता था। तो बहरहाल ये दो तीन बातें थीं जो मैंने अर्ज़ की, जो याद आया कि ये अपना ये कदीम का जोड़ है, अपने मादर इल्मी से ताल्लुक़ पैदा कीजिए और जहाँ तक हो सकता है हम उसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, और अगर खुदा नखास्ता खुदा नखास्ता कभी ऐसे हालात आए कि हम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान तो ना पहुंचाइए।
इसलिए कि इस इदारे ने हमें खिलाया है, पिलाया है, परवान चढ़ाया है, इसके बड़े हमें एहसानात हैं, उसे याद रखना चाहिए। तो बहरहाल बुज़ुर्गान मोहतरम, तलबा अज़ीज़, अब असल मौजू की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मुझे मौजू दिया गया था कि अहलुल्लाह की सोहबत से हमें क्या मिलता है, एक है इल्म का हासिल करना, अल्फाज़े उलूम का हासिल करना। तवज्जो फरमाए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं भी मुसलसल प्रोग्रामों की वजह से मैं भी थका हुआ हूँ। कल रात में भी बेंगलोर में भी एक जलसा था, तकरीबन 11:30 बजे वह ख़त्म हुआ, तो 12 के करीब करीब मैं वहाँ से निकला, चूँकि मौलाना का हुक्म था। मुसलसल एक हफ़्ते से कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें मैंने समझा कि मौलाना के यहाँ हाज़िर होना बहुत ज़रूरी है। तो खुशकिस्मती समझी कि हज़रात उलमा के दरमियान मैं भी हाज़िर हो गया, कि ये हज़रात उलमा बड़ा पुरकशिश पुरनूर मंज़र था, तो इसलिए चंद बातें ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा। तो ये जो होते हैं अल्फाज होते हैं इल्म के, अल्फाज नबूवत के हमारे, इसलिए कि जो भी उलूम हैं ये सीना ब सीना मुंतकिल होते होते हम तक पहुँचे हैं, इसके अंदर अल्फाज नबूवत। तो इसके अंदर एक और बात है कि नूर नबूवत। अल्फाज तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन इन अल्फाज के अंदर नूर कब आता है? हज़रात उलमा जानते हैं, ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल फरमाई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल फरमाई, हज़रत मूसा से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर नाजिल की जाने वाली तौरात, ये तफसीलन लिकुल शैइन, हर चीज़ की तफसील इसके अंदर मौजूद है। और क़ुरान करीम के बारे में फरमाया तिबयानन लिकुल शैइ, हर चीज़ की वजाहत इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने वह किताब समझाने के लिए हज़रत मूसा को नाजिल फरमाया, हज़रत मूसा पर तौरात को नाजिल किया, तौरात को समझाने के लिए हज़रत मूसा को लगाया कि बग़ैर रिजाल के किताब समझ में नहीं आती, सिर्फ किताब नाजिल कर दी जाती, पैगंबर को न भेजा होता तो नहीं समझ में आता। क़ुरान करीम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई, और आपसे कहा गया कि आप इसका मतलब इसका माना बयान करें। ऐसे ही एक आदमी इल्म हासिल करता है, हज़रात उलमा इल्म हासिल करते हैं। क़ुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, और फिर उसके बाद सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। एक तो अल्लाह का खौफ पैदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, और दूसरी बात सच्चों के साथ रहने की ताकीद की जा रही है, तरगीब दी जा रही है। ये सच्चे कौन हैं? सवाल ये पैदा होता है कि सच्चे कौन हैं? तो आप तफसीरें उठाकर देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, सच्चों से मुराद, अस्सादिकीन से मुराद अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, साहिब निस्बत हैं, जिनको देखकर खुदा याद आए, जिनको देखकर इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह वाले कौन हैं, फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुउ ज़िक्र अल्लाह, जब उनको देखा जाए तो खुदा की याद आ जाए। उनकी शख्सियत ही दावत व तबलीग का आईनादार हो, चेहरा बताता है कि ये अल्लाह वाले हैं। कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अहले इल्म के लिए ये कहा जा रहा है, पहले उलमा 7 साल 8 साल 10 साल जितना अल्लाह ने चाहा पढ़ते थे,
लेकिन उनके इल्म की तकमील उस वक्त तक नहीं होती थी जब तक कि वो किसी अल्लाह वाले की खिदमत में ना पहुंचे और उनसे अपनी इस्लाह ना करा ले। इसलिए कि निस्बत का जो नूर होता है वो अलग ही होता है। मुझे दर्द दिल मिला है सुन लो ऐ दुनिया वालों, मुझे दर्द दिल मिला है सुन लो ऐ दुनिया वालों, मैं फ़कीर बेनवा हूँ मुझे मिल गई है शाही, मैं फ़कीर बेनवा हूँ मुझे मिल गई है शाही। जब अल्लाह वालों की खिदमत में कोई आदमी रहता है तो वो अल्लाह वाले कभी ज़िक्र के ज़रिए, कभी तिलावत के ज़रिए, कभी अपने तवज्जुहात खासा के ज़रिए सामने वाले की दुनिया बदल देते हैं, दिलों पर हुकूमत करते हैं, दिलों की इस्लाह करते हैं। हम जानते हैं कि ये दिल ही है, जब बन जाए इंसान के पूरे आज़ा बन जाते हैं। अला इन्ना फिल जसद लमुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लू व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लू अला वहियल क़ल्ब। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस्म इंसानी में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए पूरा इंसानी निज़ाम सही हो जाए, और अगर वो बिगड़ जाए पूरा इंसानी निज़ाम गड़बड़ में आ जाए। तो अल्लाह वाले दिल की इस्लाह करते हैं, निखारते हैं, उसे इम्तिहान देना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है, खानकाहों में रहना पड़ता है। एक ज़माना था हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम दारुल उलूम देवबंद, हज़रत हमेशा फरमाते थे कि अरे हमारा ज़माना तो वो ज़माना है कि हमारे दारुल उलूम का चपरासी यानी गेट पर बैठने वाला वो भी साहिब निस्बत होता था और वो भी अल्लाह अल्लाह करता था। बाकायदा हमने देखा 96 में हमारी मेरी फरागत है दारुल उलूम से, 95 में सबीलुर रशाद से है, हमने वहाँ पर देखा कि बाकायदा गेट पर बैठने वाला चपरासी वो भी रोज़ाना 5-6 पारे पढ़ लेता था अपनी ड्यूटी के साथ साथ। तो बुज़ुर्गान मोहतरम हज़रात उलमा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये अल्लाह वाले हमें निखारते हैं, सुधारते हैं, हमारे दिल की इस्लाह करते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब इस्लाह हो जाती है, नूर नबूवत अल्फाज नबूवत में जब आ जाता है तो इंसान अमल पैरा हो जाता है, तहज्जुद गुजार बन जाता है। ये अल्लाह वाले जब हमें अपनी खिदमत में लेते हैं, सुधार देते हैं, फिर उसके बाद हमारी कीमत ही बढ़ जाती है। किसी ने सच कहा है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तवज्जो फरमाए, कहाँ है हमारा अनुसर साहब। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब अल्लाह वालों की तरफ निस्बत लग गई तो हमारी कदर कीमत ही बहुत बुलंद हो जाती है। आइए मैं एक वाक़िया आपको सुनाता हूँ। हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजालिस हकीमुल इस्लाम में इसे लिखा है। हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, जानते हैं ना हम, जानते हैं कि नहीं जानते, अरे बोलो भाई, उलमा मौजूद हैं, जानते हैं, तफसीर माजिदी के लिखने वाले है ना, तफसीर माजिदी के लिखने वाले, बड़ी शानदार तफसीर है, रद्द ईसाइत पर भी हज़रत ने बहुत लिखा है उसमें। ये सबसे पहले एक कम्युनिस्ट थे, एक मुलहिद थे, खुदा को नहीं मानने वाले थे। इनकी तारीख उठाकर देखें आप, इनकी दोस्ती थी हज़रत अकबर इलाहाबादी से, जो कि बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। कभी कभी आते थे इनके पास, आकर कहते थे, बैठते थे, बातें करते थे, चले जाते थे, सूट बूट तय लगा हुआ था, सूट बूट के साथ आते थे। एक मर्तबा आए, आकर कहने लगे कि अरे दोस्त,
कोई किताब दे दे, बहुत ही बोर मार रहा है, बेजार हो रहा है, चल कोई किताब दे दे, बैठकर पढ़ लूँ। पैर पर पैर डालकर बैठे, शू पहने हुए थे। तो अकबर इलाहाबादी ने गनीमत समझकर पारे अम रखा हुआ था वो उठा कर दिए कि ले इसे लेकर पढ़। पारे अम, वजू भी नहीं, गुसल भी नहीं। अरे वजू और गुसल तो मुसलमान करता है, वो कौन से मुसलमान थे कि जो वजू करे, गुसल करे, क्या करे। बहरहाल जैसे ही पारे अम दिया, उसे लेकर घूरने लगे। अरबी तो जानते थे, अरबी जानते थे, इसलिए कि अरबी सिर्फ हम समझते हैं कि मौलवी हजरात जानते हैं, हरगिज़ नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, आपके इल्म में होगा तो ठीक है, वरना आपको मालूम होगा, ताज्जुब करेंगे आप। ये किताब है अल-मौजमुल मफाहरिस लिल अल्फाज़िल हदीस, तकरीबन 25-30 जिल्दों में है। एक एक जिल्द इतनी बड़ी बड़ी है बुखारी की तरह, 25-30 जिल्दों में है अल-मौजमुल मफाहरिस लिल अल्फाज़िल हदीस। अब तो कंप्यूटर का दौर है, रिसर्च करो तो आपको कोई भी एक लफ्ज़ हदीस का आप टाइप कर देंगे तो आपको बता देगा कंप्यूटर के ये हदीस कहाँ कहाँ है, किस किस रावी ने इसकी रिवायत की है। लेकिन पहले ज़माने में तो ये सिस्टम नहीं था, तो अल-मौजमुल मफाहरिस लिल अल्फाज़िल हदीस जिसने लिखा है वो यहूदी आलिम है। अब उसके अंदर मिसाल के तौर पर आपको नियत के बारे में कोई हदीस तलाश करना है, 30 जिल्दों में, वो भी कंप्यूटर के आने से पहले, कितनी मेहनत उसने की होगी, कितनी अरबी उसे आती होगी, अंदाज़ा लगाएं। एक लफ्ज़ अगर आपको नियत का लफ्ज़ मालूम करना है, सिर्फ नियत का लफ्ज़ खोलिए, तो वो पूरी तफसील बयान कर चुका है कि ये इन्नमल आमालु बिन्नियात। फिर उसके बाद नियत का लफ्ज़ किस किस जगह पर, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसाई में, इब्ने माजा में, मुसनद अब्दुल रज़ाक में, मुअत्ता इमाम मालिक में, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में, मुसनद दारमी में, कहाँ कहाँ पर हदीस के अल्फाज में यह हदीस मौजूद है वो बता देगा। अरबी तो वो जानते थे, आज भी जान रहे हैं, आज भी हैं। ऐसा ना समझे कि हम सिर्फ उलमा जानते हैं, बल्कि मैं तो आज ये कहता हूँ गुस्ताखी हजरत उलमा की मौजूदगी में अर्ज़ करूँ, आज तो उलमा मुताला ही नहीं करते, मुताला ही नहीं करते। यहूदी हैं, नसारा हैं, वो तकाबुली मुताला करते हैं कि बैठकर देखेंगे इस्लाम ने इस सिलसिले में क्या कहा है और गैर मुस्लिमों के क्या अकाइद हैं, वो बैठकर तकाबुली मुताला करते हैं। लेकिन मुझे माफ़ फरमाएं, आज हजरात उलमा के पास वक्त नहीं है पढ़ने के लिए। पहला ज़माना था, पढ़ते थे लोग इम्तिहान, अब तो इम्तिहान के ज़माने में पढ़ लिया 12-1 बजे तक, फिर सुबह जाकर खे करके आ गए इम्तिहान में, किस्सा ख़त्म, साल भर के लिए छुट्टी। लेकिन पहले जो तलबा होते थे रात रात भर पढ़ते थे। तालीमुल मुतालिम आपने पढ़ा है उसमें जब कोई इबारत काफिया की, हिदायतुन नहू की, शरे जामी की हल होती थी तो उन बच्चों की ज़बानों पर आता था ऐना अबनाउल मुलूक मिन हाज़िहि लज़्ज़ात, कहाँ हैं वो शहजादे जिनको ऐसी लज्जतें हासिल होती हों जो जैसी लज्जतें हमें हासिल होती हैं इबारत के हल होने की वजह से। तालिब इल्म के लिए जब कोई मुश्किल इबारत हल होती है वही सबसे बड़ा मज़ा होता है, वही सबसे बड़ी लज्जत होती है। गधा क्या जाने ज़ाफ़रान की कदर क्या होती है, यानी हम उलमा जानते हैं कि इबारत जब हल होती है तो कितनी खुशी हमें होती है। पहले के ये तलबा थे, पहले के ये उलमा थे, हज़रत इमाम मोहम्मद इब्ने हसन अश्शैबानी जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद सोते थे, याद आता था तो उठ जाते थे, फिर लिखना शुरू कर देते थे। लोग शागिर्द कहते कि हज़रत क्या बात है, रात का 1 बज रहा है, आप लिखते बैठे हैं कलम और दवात लेकर, सो जाइए। तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह का एक ही जवाब होता था कि मैं सो जाऊं, मुझे सोने के लिए तुम कह रहे हो, अरे दुनिया इस ख्याल से सो रही है कि मोहम्मद जाग रहा है।
मैं भी अगर सो जाऊं तो उम्मत का क्या हाल होगा। ये एक पहलू है। मौलाना गया साहब ने जो आपको तरगीब दिलाई वो खिदमत खल्क का वो एक अलग पहलू है, लेकिन ये अलग पहलू है कि हम अपनी इस्लाह कराएं और इल्म के अंदर पुख्तगी हासिल करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का वाक़िया के बैठे आकर इलाहाबाद अकबर इलाहाबादी से पूछा, अरे यार कोई किताब दे दे, मौका गनीमत जानकर पारे हम दे दिया। सूट बूट और पैर पर पैर रखकर बैठे थे, पढ़ने लगे देखने लगे, खुद ब खुद पैर नीचे आ गया, खुद ब खुद पैर नीचे आ गया, आँखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कुरान उस पारे हम को लपेट दिया, अकबर इलाहाबादी के हाथ में देकर चले गए। लेकिन उसकी लज्जत जब काफिरों के अंदर हो सकती है, ये तो वो इंसान है जिसे आगे चलकर मुफस्सिर कुरान बनना था। अल्लाह ताला हिदायत का वक्त लाते हैं, दूसरे दिन फौरन आए, हाथ पैर धो लिया, जाकर नीचे अदब से बैठ गए, जाकर कहने लगे, अरे यार कल जो तूने कोई रिसाला दिया था वो दे दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अकबर इलाहाबादी वो भी मज़ा लेने के लिए कहने लगे, अरे भाई वो किताब तो अब नहीं है, दूसरी कोई किताब दे दूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, वही मुझे चाहिए जो कल तूने मुझे दिया था। फिर उसे उठाकर देने लगे। खुदाए पाक की कसम, हज़रत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पूरा जिस्म कांपने लगा, आँखों से आंसू जारी होने लगे। मुसलमान नहीं है अभी भी, जिंदीक हैं, मुलहिद हैं, कम्युनिस्ट हैं, अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन ये कुरान करीम का असर है। उसके बाद बंद किया, बहुत देर तक रोते रहे, बंद किया, फिर उसके बाद अदब से दे दिया। कहने लगे, अरे यार मेरे दिल में बहुत सारे सवालात, कुछ सवालात हैं, कुछ शुबहात हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर तुम उसका जवाब दे दो तो मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने कहा, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ कि मैं तुझे मुसलमान बनाऊँ। हज़रत थानवी का दौर था, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन में थे, अहलुल्लाह का दौर था, खानकाही निज़ाम था। कहने लगे, अच्छा ठीक है, जो भी तेरे सवाल हैं वो हज़रत थानवी के पास जाकर चलेंगे। अकबर इलाहाबादी ने गनीमत जाना, फौरन अपने दोस्त को पकड़कर थाना भवन की खानखा में ले गए। ले जाकर हज़रत थानवी का भी बड़ा अजीब उसूल था कि जो कोई भी वहाँ आता उसे सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। अब इनको ले जाया गया, ले जाकर मजलिस में बिठाया। खुदाए पाक की कसम, अहलुल्लाह जो होते हैं वो बहुत सारे अहले कश्फ होते हैं, हमारा पूरा बायोडाटा उनके सामने होता है, हमारी पूरी हकीकत को वो जान लेते हैं। एक बटन दबाने पर जैसा आज कंप्यूटर हमारी पूरी हकीकत को सामने लाता है, ऐसे ही अहलुल्लाह के सामने भी होता है। कि हज़रत थानवी की खिदमत में ये गए, हज़रत थानवी से कहा कि हज़रत ये इस्लाम लाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हज़रत ने फरमाया, ठीक है रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अहलुल्लाह जानते हैं किसका इलाज कैसे कब किया जा सकता है। हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तईफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये भी हज़रत थानवी से बैत थे, मोहतमिम हैं, मुदीर हैं। एक मरतबा हज़रत थानवी को इनको हज़रत थानवी इनकी इस्लाह करना चाहते थे, गए तो फरमाया, हज़रत इस वक्त मुझे क्या हुक्म है। कहने लगे, दारुलूम की मस्जिद के सीढ़ियों में जाकर बैठ जाओ और जो तुम्हारे शागिर्द जो तलबा आते हैं उनके चप्पल दुरुस्त करो बैठकर। समझ में आता है, एक मोहतमिम से कहा जा रहा है कि तुम्हारे शागिर्दों के चप्पल जाकर दुरुस्त करो, ये शेख का हुक्म है। अब क्या करते हैं, यानी जो शेख होता है वो इंसान के मिजाज के मुताबिक इस्लाह करता है। अब हज़रत हकीमुल इस्लाम को तो मानना ही था, पूरी दुनिया ने उनको हकीमुल इस्लाम कहा, लेकिन अपने शेख के सामने तो मुरीद। बहरहाल गए, जाकर बैठ गए, वो काम भी किया। तो बहरहाल
अकबर इलाहाबादी इनको लेकर गए अब्दुल मजीद दरियाबादी को। कई 15-20 सवाल इनके दिल में थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि दो हफ्ते के अंदर हज़रत थानवी की जो मजलिसें होती थीं, मुकम्मल इनके सवालात के जवाबात हज़रत की मजलिस में आ गए। जैसे ही एक हफ्ता 15 दिन पूरे हुए, अकबर इलाहाबादी से अब्दुल मजीद दरियाबादी ने कहा, अरे यार, अल्लाह का फजल है कि अब मुझे मुकम्मल समझ में आ गया, अब मेरा जहन बिल्कुल पाक हो गया, कोई एतराज़ मेरे जहन में अब बाकी नहीं रहा। अरे 15 दिन के बाद जब ये इस्लाम कबूल करके वापस क्या लौटते हैं, हज़रत थानवी ने इनको इजाज़त भी दे दी थी। इसीलिए कहा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब तो हजारों लोगों का पेशवा बन गए। फुज़ैल इब्ने अय्यास कहाँ चोर और डाकुओं के सरदार, लेकिन सिलसिले नक्शबंदिया में भी अब आते हैं, सिलसिले कादरिया में भी आते हैं। जब तौबा की, कुरान की एक आयत ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इसीलिए कहा जाता है, अहले इल्म का इल्म उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम किसी अल्लाह वाले का दामन नहीं थाम लेते। या युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, दोनों जहाँ में तुम्हारे लिए कामयाबी है। जैसे बुखार के लिए, सर्दी के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए तबीब ढूंढते हो, डॉक्टर तलाश करते हो, ऐसे ही रूहानी तबीब भी ढूंढो ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके, तब ही चलकर तुम्हारा इलाज मुकम्मल होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा मुकाम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। हज़रत उलमा तवज्जो फरमाइए, एक मरतबा हज़रत मौलाना शाह अब्रारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, साथ में उलमा भी थे। एक आलिम ने सवाल किया कि हज़रत, हम लोग तो इल्म वाले हैं, 7 साल 8 साल हमने हदीस भी पढ़ी है, फ़िका भी पढ़ा है, तफसीर भी पढ़ी है, उसूल फ़िका भी पढ़ा है, तावीलात भी हम जानते हैं, अक़वाल भी हम जानते हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी अल्लाह वाले के पास जाने की? समझ में आता है, हमारे पास इल्म मौजूद है तो किसी अल्लाह वाले के पास जाने की क्या ज़रूरत है? हज़रत बिल्कुल खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत भी सफ़र कर रहे थे, कार में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी खड़ी रुकी। सामने एक गाड़ी खड़ी थी जो पेट्रोल टैंक होती है। क्या होता है पेट्रोल टैंक के अंदर, क्या होता है? पेट्रोल होता है। हज़रत ने अपने साथ जो लोग थे उनसे फरमाया, भाई सामने जो जो लारी खड़ी है उसे क्या कहते हैं? लोगों ने कहा, हज़रत वो पेट्रोल टैंक है। कहने लगे, वो पेट्रोल वो टैंक के अंदर क्या है? लोगों ने कहा, हज़रत वो पेट्रोल है। हज़रत ने सवाल किया, यहाँ क्यों खड़ी है? कहने लगे, पेट्रोल डलवाने के लिए। हज़रत ने उनसे उलमा से कहा, अजीब बात है, पेट्रोल जिसके अंदर मौजूद है फिर भी उसे चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। यानी उनके सवाल का जवाब हो गया, तुम ये कह रहे थे कि हमारे पास इल्म है, क्यों हम अल्लाह वालों के पास जाएं? फरमाया, उसका जवाब यही है कि यह पेट्रोल उसकी पीठ के ऊपर लदा हुआ है, लेकिन फिर भी चलने के लिए इसे पेट्रोल की तो ज़रूरत है। ऐसे ही अल्लाह वालों के पास इंसान को जाना चाहिए, तभी कामिलो मुकम्मल उसकी इस्लाह होती है। अहले इल्म जब तक अहले तकवा से नहीं मिलते। हज़रत कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नामे नामी इसमें गिरामी अभी तलबाए अजीज़ अपनी तकरीरों में ले रहे थे, यह ऐसे पाए के बुज़ुर्ग हैं। एक मरतबा हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, आपने पढ़ा होगा हज़रत की जो किताबें हैं, आज भी हमको वो समझ में नहीं आती, उर्दू में लिखी हुई किताबें, बराहीन क़ातिया है, हुज्जतुल इस्लाम है और कई कई किताबें हैं, आज भी हमें वो समझ में नहीं आती।
इतनी मुश्किल और दकीक उर्दू उसकी मौजूद है। ये लोग, इन्होंने अपनी इस्लाह की थी हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से। किसी ने कहा हज़रत रशीद अहमद गंगोही से कि हज़रत आप तो इतने बड़े कुतुब हैं, इतने बड़े पीर हैं, फिर भी आप अपना इलाज हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब से कराते हैं। तो हज़रत रशीद अहमद गंगोही ने फरमाया, अरे हम तो सिर्फ मिठाइयाँ देख रहे थे, हमारी मिसाल, हमारे इल्म की मिसाल ये तफसीर है, ये हदीस है, ये फिका है, बस हम तो एक इल्म की, ये हम जो है इल्म जानते थे, लेकिन ये लड्डू है, ये मैसूर पाक है, ये जलेबी है, ये अलग 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 जो मिठाइयों के नाम हैं उसका अलग अलग जो टेस्ट है वो हाजी साहब जानते हैं, बस हम तो सबको मिठाई समझ रहे थे, हमारे इल्म और उनके इल्म में इतना ही फ़र्क है, बस हम सिर्फ चीज़ों को जानते हैं। सही माने में अगर हम अपना इलाज करना चाहते हैं तो फरमाया गया, अच्छों की सोहबत इख्तियार करें। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। आप जानते हैं अस्हाबे कहफ का वाकिया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। जहाँ पर अस्हाबे कहफ का वाकिया बयान किया वहाँ पर अस्हाबे कहफ के कुत्ते का भी वाकिया है। ये 300 साल जब जाकर गार में सोए हैं तो कुत्ता ये भी बाहर आकर वबासितुन कल्बुहु ज़िराईहि बिलवसीद, कुरान करीम ने फरमाया अपने पैर फैलाकर गार के मुंह पर ये भी हिफाजत कर रहा था। एक नुक्ता हज़रत मुफस्सिरीन ने बयान किया है, तवज्जो फरमाएं। 300 साल के बाद, 309 साल के बाद जब ये लोग उठे हैं, अल्लाह ने उस कुत्ते को भी बेदार किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोज़े क़ियामत में जब अल्लाह ताला अहले ईमान को जन्नत में दाखिल करेंगे, साथ साथ कई जानवर ऐसे हैं कि जानवरों के लिए तो जन्नत और दोजख नहीं है, अल्लाह ताला उनको मिट्टी बना देंगे, कुंतु तुराबा ये कहकर, लेकिन बाज़ जानवर ऐसे हैं कि खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेजेंगे। उसमें से एक अस्हाबे कहफ का कुत्ता है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है और बुराक है और जन्नत से आने वाला दुम्बा है। 10 किस्म के जानवर बहरहाल बयान किए हैं किताबों में, हज़रत उलमा ने उसे लिखा है। तो अस्हाबे कहफ का कुत्ता, तवज्जो फरमाए, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की बिना पर अल्लाह ने उसे जन्नती बना दिया, कुत्ते को जन्नती बना दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बिलमकाबिल आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर बेटे से कहते हैं कि बेटा ईमान ला ले, अल्लाह का फरमा बरदार बन जा, कहता है कि नहीं। सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी आकर नहीं छुएगा, तूफ़ान मुझे कुछ नहीं कर सकता। दुआ करते हैं, अल्लाह ने फरमाया या नू इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। अल्लाह ने फरमाया कि नू ये तुम्हारा बेटा नहीं है, बज़ाहिर हो तो हो लेकिन ये सही माने में तुम्हारी औलाद नहीं है, ये अमल सालेह करने वाला नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। इधर एक जानवर जिसे हम नजीस समझते हैं, कुत्ता, मखज़न अखलाक एक किताब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक कुत्ते की 10 सिफतें हैं वो किसी इंसान के अंदर नहीं आ जाती, उस वक्त तक वो इंसान वली कामिल नहीं बनता। ऐसी सिफात उसके अंदर मौजूद है। यहाँ नबी के बेटे के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तुम्हारा बेटा नहीं और ये अच्छा अमल करने वाला नहीं। और उधर कुत्ते के बारे में कहते हैं कि ये कुत्ता हिफाजत कर रहा था गार पर, और मौलाना रूम इसके बारे में क्या बेहतरीन इरशाद फरमाते हैं,
फरमाते हैं सगे असहाब कहफ रोज़े चंद पए नेका गिरफ्त मर्दुम शुद। सगे असहाब कहफ रोज़े चंद पए नेका गिरफ्त मर्दुम शुद। पिसरे नूह बाबदां बनशिस्त ख़ानदान नबूवतश गुम शुद। नूह का बेटा जब बुरों की सोहबत इख्तियार करता है तो नबूवत के ख़ानदान को बर्बाद कर देता है, और जब असहाब कहफ का कुत्ता नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता है तो उनके सिफात को अपने अंदर ले लेता है। ये सोहबत सालिहीन की बरकत है, ये सोहबत सालिहीन की बरकत है, नेक लोगों की बरकत है। तो बुजुर्गाने मोहतरम हज़रत उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ इस फितने के दौर में हम अपने ईमान को बचाने के लिए, नेक राह पर चलने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी न किसी अल्लाह वाले से वाबस्ता हो जाए। जब तक दुनिया बाकी रहेगी अल्लाह वाले मौजूद रहेंगे, वरना कुरान करीम की आयत का सही ना होना लाजिम आएगा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों के साथ ना रहो, अगर ये अल्लाह वाले ना हो तो सच्चे लोग फिर दुनिया में कहाँ रहेंगे। तो इसलिए हर एक अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक अल्लाह वाले से निस्बत कायम करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया के अंदर भी हमारी ज़िंदगी सही गुजरेगी और हम गुनाहों से बचकर रहेंगे। और यह कोई नया काम नहीं है, अल्लाह के नबी के ज़माने में भी हज़रत सहाबा आते थे, बैत करते थे, बयात रिजवान, बयात सुलह हुदैबिया, और उसके बाद औरतों ने भी बैत किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सूरतुस सफ़ से पहले अल्लाह ने बयान फरमाया मुमतहिना के आखिर में, जब ये औरतें आकर आपके पास बैत करें, बाया या अय्युहन नबी इज़ा क्या मौलाना थे, युबायअना का अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन। पूरी तफसील बयान की गई कि ये औरतें आकर आपके पास बैत करें तो सरकार आप उनको बैत करें, समझाएं उनको दीन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी अल्लाह वाले से, किसी साहिब निस्बत से अपने आप को जोड़ लें और अपनी इस्लाह कर लें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पक्की सच्ची तौबा की तौफीक होगी। और ये पीर मुर्शिद जो होता है वो अपने वालिदैन की तरह अपने मानने वालों के लिए बहुत ही मुशफिक और मेहरबान होते हैं। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें कि इल्म के साथ साथ पुख्ता इल्म हासिल करें, खिदमत खल्क का जज्बा भी हो, और अपने मादर इल्मी से मजबूत ताल्लुक़ कायम करें, और फिर उसके बाद किसी साहिब निस्बत से अपनी निस्बत को जोड़ लें ताकि वो नूर नबूवत जो चलता हुआ आया है अल्फाज नबूवत के साथ साथ वो नूर नबूवत भी हमारे अंदर मुंतकिल हो। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल मुक्तदिर साहब को और इनके मुआविनीन को और सदर जलसा को और मदरसे के जो मुआविनीन और ज़िम्मेदारान हैं इन सब को, कि अल्लाह ताला ने एक दीन की खिदमत के लिए आप सबको वक्फ फरमाया है। हम सआदतमंदी समझकर हम इस दीन की खिदमत करते रहे। जो मदरसे की खिदमत है ये एक सदक़े जारिया है, दुनिया में जब तक हम रहें तब भी सवाब हमें मिलेगा, जब दुनिया से चले जाएंगे तब भी हमें यह सवाब मिलता रहेगा। और तलबा अज़ीज़ जब आप तशरीफ़ लाए हैं लब्बैक कहते हुए अपने असातिज़ा की बातों पर और अपने नाज़िम मदरसा की दावत पर, हर वक्त जब भी आपको बुलाया जाए आप आने की ज़हमत गवारा करें, इससे हमारे इल्म में बरकत होगी। हज़रत थानवी ने एक जगह पर लिखा है कि तालिब इल्म के इल्म के इजाफे के सिलसिले में किसी तालिब इल्म का मकसद सिर्फ़ उस्ताद से अगर मिलना होता है उसकी वजह से भी अल्लाह उसके इल्म में बरकत अता फरमाते हैं, और कोई मकसद नहीं, सिर्फ उस्ताद से मिलने के लिए जाता है। तो इसलिए आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला आपके खिदमात को शरफ़ कबूलियत से नवाजे और इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।
और जो कहा गया सुना गया इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें ताकत व तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।